हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ट्रैवल व्लॉग। नए नए पेरेंट्स मतलब बाहर निकलना वगैरह ये तो मोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल हो ही जाता है। हम जा रहे हैं गोवा और हम सिर्फ तीनों नहीं जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। चेक इन वाज लिटिल इजी बिकॉज आपके हाथ में अगर बच्चा है तो आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखा जाता है। और ये एयरपोर्ट पे हमें मिला है हिमालय बेबी केयर। दिस इज हाउ द रूम लुक्स, इट्स ऑन द एयरपोर्ट, दिस इज मी, दिस इज द डायपर चेंजिंग स्टेशन। कैसा लग रहा है? Fun. Fun. Very much. Lot of fun. ये आ गई हमारी गाड़ी। So, ऐसे पहुंच चुके हैं हम गोवा। हमारे बीजी जी जो है वो भी पहुंच चुके थे ऑलरेडी। यहाँ कहाँ वहाँ कुछ मिट्टी विट्टी लगा के किसी को मार दौड़ के आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे है एडिटर ओपी। हाय गाइस। बाकी की जितनी भी पलटन है वो सब अभी रुके हुए हैं जहाँ पे हमारा स्टे होने वाला है। देखो कैसा है कि मतलब प्यार करो, शादी भी करो, सोच के बच्चे करो। वो दीप एडिटर ओपी देख लेगा। एडिटर ओपी, यस यस, ब्लर द फेस। ऊपर बेडरूम्स रहेंगे गाइस हमारे। यहाँ पे ऐसे ही बैठने के लिए टीवी वगैरह। क्या बात है, ये एक है बेडरूम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। गुड जॉब प्रणीत, गुड जॉब। यहाँ पे और एक बेडरूम है गाइस, और यहाँ पे मैं। ये है स्विमिंग पूल जैसे कि आप देख सकते हो, और यहीं पे हमारा विला खत्म होता है। तो ऐसे हमने दो विला लेके रखे हैं। जो कोई भी सिंगल लोग है वो ये विला में रहेंगे। यही से एंट्री है दूसरे विला को जाने के लिए। सो ये है ऊपर। अरे अरे भाई भाई निकल ना भाई। भाई भाई अरे भाई क्या कर रहा था भाई। जहाँ जगह मिले नंगा हो जाओ। अश्लील है ये लोंडा। ये है हमारी टीम, बहुत सारे लोग हैं जिनकी पहली बार। नंबर वन, नंबर टू, व्हाट डू यू डू इन एफटी? I'm an HR. इन भाई साहब को तो आप पहचानते ही होंगे। हेलो, ये देखो, अरे ये तो पहचानते सब। तो काफी बहुत सिंगल है, देखो हाथ भी देखो। ये बॉय, ये दिख रहा है सूजा हुआ हाथ, बॉल लगा इतना सिंगल है। बॉल लगा था, बॉल लग रहे हैं हाथ को। ये तो एडिटर ओपी तो पता है। हेलो कपिल, व्हाट डू यू डू इन एफडी? आई एम अ न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट हेड इन एफडी। मतलब बॉडी पे मत जाओ भाई, 150 किलो से नीचे आया है भाई। कैसा होता है कि ऐसा एक मस्त रील का कॉन्सेप्ट ऐसे बैठे बैठे मेरे दिमाग में आ गया। दो एक्टर भी हमारे साथ हैं और एडिटर हो भी, तो आपको पता ही है पीछे। कर लेते मस्त। कल का मतलब माहौल ही ऐसा था कि सब लोग थके आ रहे थे। हमने सोचा है कि हम गोवा एक्सप्लोर करेंगे। सो शुड वी कॉल इट योर बैचलर ट्रिप? यस। हां, विद योर हस्बैंड। वाओ, सो कूल। हाय तन्वी। हेलो। हाय, कम कम। ये एक है औरत। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक। सैया 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 सैया। हाय, अरे मैया तू क्या देख लियो? पटाएगा लड़की आज? होगा कोई तो बहुत ढूंढ रही थी तेरी। आजा ना इधर, बता ना सर। या पूछ क्या? चेहरे से ही झलकता है संतुष्ट। कोई है तो नीचे कमेंट कर दो। अबे ये शादी के लिए ढूंढ रहे लड़के, बस कैसे ना हुआ। द मैन द मिथ। दोपहर के टाइम पे और क्या कर सकते हैं? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ। राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, वी सो द बस गो राउंड एंड।
यार मैं सबको गाना पसंद, सबको गाना पता है भाई, सबको गाना पता है। आई 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 चलो गाइस रेडी, चलो चलो चलो। यहाँ पे दूसरी गाड़ी है। यस हाउ डू फील? फील गुड। इधर कौन बैठा है? कौन बैठा है? एडिटर ओपी। अमाल मैं तेरे बाप को मत सिखा, चल। हाउ आर यू? गुड। बढ़िया। गुड सॉर्टेड। हाउ डू फील? बेटर। फर्स्ट टाइम? ओ यार पहली बार आया। हाउ डू फील? यू आर मेकिंग मी फील लाइक यू आर अ वेडिंग फोटोग्राफर। ये नहीं कर रहा हूं ठीक है। डे थ्री ऐसे मॉर्निंग 5 or 6 o'clock को उठते हैं, लेकिन आज कैसा लग रहा है? नींद पूरी हुई कि नहीं? कितने बजे सोए आप? 5:30। वेरी नाइस। कितने बजे सोए आप? आई डोंट रिमेंबर। आप कितने बजे सोए सर? 6:00। जब मैं पहली बार गोवा आया था, 10,000 का काउंट्री निकाला और सब लोग एक्चुअली 10,000 में गोवा किया था हमने। एक छोटू सा रूम लिया था, बहुत छोटू सा रूम लिया था, 6 लोग तो एटलीस्ट रहेंगे। बाय द वे इससे याद आया मुझे कि आपको विलास का टूर करवाना है, तो ये स्पेसिफिक टूर सिर्फ आपके लिए। अगर आप भी आना चाहते हो इस विला में, तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में इस विला का लिंक भेज रहा हूँ। अगर आप मेरा रेफरेंस लगाते हो तो पक्का पक्का ज़रूर कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। बस प्यार ही प्यार पले। दिस इज आवर लास्ट डे एट गोवा। बहुत ही मशहूर शेफ है यहाँ पे नेहा बाथुमकर जी, जिनको सिर्फ लाइफ में एक ही चीज़ आता है, वो करना है मैगी करना। तो बहुत अच्छा सा मैगी बनाया है और हम नहीं, ये लोग टेस्ट करेंगे। मैं बिरयानी खाऊंगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। एस्थेटिक्स। तो गाइस आई विल सी यू इन पुणे। थैंक यू सो मच सर। ए चलना है, चल चल। Guys. तो मैं गोवा से जल्दी जल्दी घर पहुंच गया और गाड़ी में बैठ गया और निकल चुका हूँ मुंबई के लिए। मतलब व्हाटएवर
I'm going to shoot today. It happened because of all of you. So, जिस चीज के लिए मैं मुंबई आया हूँ उस चीज के बहुत 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 करीब पहुंच चुका हूँ। ये कभी दिमाग में सोचा भी नहीं होगा कि ये मैं खुद मेरी आंखों से देख सकता हूँ। जब भी मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, एक वो दिन है और एक आज का दिन है। ये पर्टिकुलर शूट था जो मैंने फ्लिपकार्ट के लिए, जो उनका नया क्लोथिंग ब्रांड आ रहा है, स्पॉइल करके उनके लिए किया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हारे भाई को ऐसा पोजिंग बिजिंग कुछ 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 भी नहीं आता है। तो लगता है कभी कभी कि ये ऐसा लिखा हुआ था। थैंक यू सो मच गाइज, होप यू एंजॉयड द एंटायर ब्लॉग एंड दिस इज द एंड ऑफ द ब्लॉग। दिस वॉज द लिटिल लाइक सरप्राइज फॉर यू और मी टू, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एबल टू सी माई एंटायर बॉडी फॉर दिस, लाइक इतना बड़ा पोस्टर मैंने मेरा खुद का कभी नहीं देखा है। तो आई होप यू एंजॉयड इट, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब। आएगा।